नवाज का बता दें ताकि आगे स्टार्ट करें आवाज सबको आ रही है दोस्तों ये लिख के बता दें क्वेश्चन पैनल में लिख के बता दीजिए यस सर वॉइस इज क्लियर यस सर यस सर, सर ओके चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं दुरुशी पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद डबल एंट्री सिस्टम हमने जो कल डिफरेंट बिजनेस डिस्कस किए उसमें था क्रियाना स्टोर का इस क्रियाना स्टोर वाले बिजनेस को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि हम इसकी अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं डबल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कल जो हमने डिस्कस किया क्या उसमें ये पांच चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली थी कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस एंड इनकम इनको हम कहते हैं पिलर्स जैसे एक घर बनता है तो उसकी बेसिस बनाते हैं पिलर्स बनाते हैं नींव बनाते हैं और वो पूरी ग्राउंडिंग करते हैं ताकि उसके ऊपर इमारत खड़ी हो जाए तो ये पिलर्स हैं अकाउंटिंग के ये पिलर्स हैं इनकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें दुनिया जहान का कोई भी काम हो तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज किस पिलर में जाके फॉल करती है सबसे पहले आपको ये इन पिलर्स का आइडिया होना चाहिए चले आगे अगर जाके देखें इन पिलर्स में इनकी नेचर क्या है क्रेडिट इसकी एग्जांपल वैसे ही है जैसे ये प्लस का साइन है ये डिवीजन का साइन है ये माइनस का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है वट इफ अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन इसकी जगह पे ये होता हाँ हम एक्सेप्ट कर लेते कि अगर डे वन पे हमें यही बताया जाता इसका मतलब इन साइंस के पीछे कोई लॉजिक नहीं है ये एक फर्स्ट रूल है, है जो बता दिया गया कि भाई इस साइन का मतलब होगा कि हमने ऐड करना है इस साइन का मतलब होगा कि हमने ऐड करना है अच्छा इस साइन का मतलब होगा कि हमने डिडक्शन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है माइनस करना है इट मीन ये जो हमारे पास रूल्स हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं है हमें याद रखने पड़ते हैं याद करने पड़ते हैं इस साइन का ये मतलब है इसी तरीके से पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए एक साइन है कि ये इसकी नेचर क्रेडिट है दिस इज ए साइन एसेट की नेचर डेबिट है लेबिलिटी की नेचर क्रेडिट है एक्सपेंस की नेचर डेबिट है और इनकम की नेचर क्रेडिट है तो आइडेंटिफाई क्या हुआ या हमने क्या सीखा यहां से हमने ये सीखा कि भाई ये जो पांच पिलर्स हैं इनके साथ एक साइन है लेट्स से इसकी जगह पे कुछ और होता फॉर एग्जांपल हम कहते थे कि क्रेडिट अब हमारे पास दो चीजें क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट डेबिट इसका मतलब एक चीज है क्रेडिट एक चीज है डेबिट। अगर ये होता इस तरीके से ए ए या बी बी तब भी हमें कोई मसला नहीं था उसे तो हमें बताना है कि भाई ये चीज क्रेडिट है ये चीज डेबिट है जिसने पहली दफा इसको इन्वेंट किया होगा इसके पे काम शुरू किया होगा उसने इसका नाम रख दिया क्रेडिट और डेबिट अगर क्रेडिट के हम रियल मीनिंग में जाएं वो तो हमारा बन जाएगा उधार बन जाएगा बट ये यहाँ पे अकाउंटिंग में दीज आर साइंस क्रेडिट एक साइन है डेबिट एक साइन है ये एक बेसिक रूल है किसका हमारे पास पांच पिलर्स हैं कैपिटल एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम तो स्टेप नंबर वन क्या है बिजनेस में जो चीज आए यानी कि एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट पे किया घर का अभी इस रेंट को इन पिलर्स में फॉल करवाना है सबसे पहले हमने ये सीखना है डेबिट कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है उसको अभी आपने नहीं सोचना अभी हमारी जो पहली स्ट्रगल है जो पहली एफर्ट है वो क्या होनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी हो वो इन कैटेगरीज में इन हेड्स ऑफ अकाउंट में या इन पिलर्स में कहाँ पे फॉल करती है एक मिनट दीजिएगा जी हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने देखना है ये कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है तो किस हेड में फॉल करती है क्या चीज जी वो किस हेड में फॉल करती है ये हमने देखना है चले उसके लिए हम कल वाले एग्जांपल पे जाते हैं ये हमारे पास आ गई कल वाली एग्जांपल ये हमने देखा था उसमा करियाना स्टोर अब हम वन बाई वन एक्टिविटी को पकड़ते जाएंगे और आपने मुझे बताते जाना है ये किस किस पिलर में फॉल करती है ये हमें पता चल गया कैपिटल का साइन या उसकी नेचर या उसकी कैटेगरी दैट इज क्रेडिट एसेट इसका जो साइन है इसकी जो नेचर इसकी जो कैटेगरी है दैट इज डेबिट लाइबिलिटी इसका जो साइन क्रेडिट एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट ये जो चीज है अनफॉर्चुनेटली ये आपको याद करनी पड़ेगी यानी कि ये वो मकान है या वो बिल्डिंग है जिसके नीचे ये पिलर्स आ जाएंगे उसके आगे हर चीज लॉजिक पे है हर चीज का एक सीक्वेंस है हर चीज का एक थीम है तो ये हमें याद करने पड़ेंगे क्या ये क्लियर है सवाल <coughs> अरे यार। स्क्रीन नहीं नजर आ रही ओहो अब स्क्रीन नजर आ रही है स्क्रीन नजर आ रही है जी चलें एक काम करते हैं वापस चलते हैं ये जो हमने डिस्कशन की <coughs> इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं स्क्रीन नजर आ रही है जब स्क्रीन क्लियर है स्क्रीन क्लियर है जवाब दे दें ताकि मैं इसको स्टार्ट करूं दोस्तों आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है आवाज एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है <coughs> जी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है बता दें यार <laughs> जी, स्क्रीन क्लियर है ऑडियो क्लियर है चले जी मेरे ख्याल में परफेक्ट हो गया <coughs> चलें अच्छा कल हमने डिस्कस किया हमारे पास पांच एरियाज आइडेंटिफाई हुए थे कि कैपिटल एसेट एक्सपेंसेस एंड इनकम इसको मैं कहता हूँ ये फाइव पिलर्स हैं अकाउंटिंग के यानी कि अगर मैं अकाउंटिंग को कहूँ कि ये मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और इसको नीचे सहारा देने के लिए मुझे पिलर्स चाहिए तो अकाउंटिंग के जो पांच पिलर्स हैं वही है, वो ये है। <coughs> जैसे मैंने कहा कि जब मैथमेटिक्स बनी होगी इनका एक मकसद था इसका मतलब था कि ऐड करना है इसका मतलब था कि माइनस करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या होता अगर वो पहले दिन पे हमें ये बता देता कि इसका मतलब है डिवाइड तो हमारे माइंड में शुरू से यही होता कि इस साइन का मतलब है ऐसे ही है ना इस साइन का फिर हमारे जान में यही होता कि डिवाइड करना है। ये अकाउंटिंग में पिलर्स के साइन है साइन डेबिट लाइबिलिटी का साइन क्रेडिट एक्सपेंसेस का साइन डेबिट इनकम का साइन क्रेडिट इसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में नेचर कहते हैं जैसे हमने मैथमेटिक्स में साइन की बात की यहां पे हम उस साइन को क्या कहते हैं नेचर कहते हैं जी क्या ये साइन और नेचर वाली बात क्लियर है यानी कि जैसे पॉजिटिव इस प्लस का मतलब है कि हमने इसको ऐड करना होता है इसी तरीके से हमें ये याद करना पड़ेगा कि कैपिटल की नेचर कैपिटल का साइन क्रेडिट है एसेट का साइन डेबिट है िटी का साइन क्रेडिट एक्सपेंसिस का साइन डेबिट देन इनकम का साइन क्रेडिट क्या इन साइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन है जी क्या इनके ऊपर कोई क्वेश्चन है ओके okay. अब हमने कल बात की थी उसामा किरियाना स्टोर की ये हमें पता चल गया कि इसके जो साइंस हैं वो ये हैं पांच हमारे पास पिलर्स हैं अकाउंटिंग के और उनके साइन हमारे पास आ गई है स्टेप नंबर वन जो है हमारा स्टेप नंबर वन क्या है वो ये होना चाहिए कि एनी एक्टिविटी इन बिजनेस हमने उसको क्या करना है उसका पिलर ढूंढना है कि किस पिलर में फॉल करते है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट रेंट क्या है एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस वाले पिलर में जाएगा ये सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है अकाउंटिंग इसके बाद स्टार्ट करेंगे ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो समझें कि डबल एंट्री की बेस बन गई क्या थीम क्लियर है जो अभी हम करने जा रहे हैं क्या ये थीम क्लियर है कि पहला स्टेप क्या है कि बिजनेस में चाहे वो किरियाना स्टोर हो चाहे वो आपके सूप की रेड़ी हो चाहे आपने बर्गर लगाए हो चाहे आप छलियां बेचते हो चाहे आपका नेस्ले का बिजनेस हो चाहे आप गारमेंट्स के बिजनेस में हो कुछ भी अगर आपके बिजनेस में होता है कुछ भी उसमें आपने देखना है क्या वो चीज इन पिलर्स में फॉल करती है या नहीं सबसे पहला स्टेप आपने ये आइडेंटिफाई करना है अगर आपने ये कर लिया समझें कि आप पिलर्स के ऊपर आगे अब आपने देखा होगा कि मकान जब बनता है तो सबसे मुश्किल काम होता है वो बेसिस बनाना पंजाबी जी असी उन्होंने कहने की नियाँ पाना नियाँ बांध रही ने। जब नीये बन जाती हैं फिर मिस्त्री कहता है अब आ जाओ भाई अब वो कहते हैं दो दिन में भी कहोगे तो कमरा रेडी कर दूंगा वो जो बेसिस हैं जो ग्राउंड है जो पिलर्स है, है वो बनाना मुश्किल है उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना मुश्किल नहीं है तो हमने हर एक चीज को उस पिलर में फॉल करवानी है देन हम आगे चल रहे होंगे। जी। यहां तक कोई क्वेश्चन पहला स्टेप हमारा जो पहला एजेंडा है कि हमने करना है क्या है वो क्या वो क्लियर है अच्छा आज बहुत अहम चीज है बहुत अहम लेक्चर है जिसने बोल के सवाल करना है वो मुझे लाजमी बताया मैं उसका माइक ओपन करूंगा वो बोल के सवाल कर लेगा चले जी आगे चलते हैं अब हमने देखा था ये हमारे पास उसामा करियाना स्टोर सबसे पहला उसका काम था दैट इज उसने एक दुकान को खरीदा उसने क्या किया एक दुकान को खरीदा ये जो उसने दुकान खरीदी है ये क्या है दुकान क्या चीज है किस पिलर में जाएगी क्या है ये दुकान क्या चीज है किस पिलर में फॉल करेगी ये एसेट है ओके एसेट है बिल्कुल ठीक है अली भाई उसामा भाई जी दुकान उसने जो खरीदी है किस पिलर में फॉल करेगी कैपिटल नहीं कैपिटल नहीं है कैपिटल होता है सरमाया आमना? कैपिटल होता है सरमाया जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं जिससे मैं बिजनेस बढ़ाता हूं बिजनेस में जो मैं पैसे लगा रहा हूं मैंने अगर एक करोड़ का कारोबार शुरू किया तो एक करोड़ सरमाया है अब जो बिजनेस में मैंने एक करोड़ लगाया उसी एक करोड़ से मैंने डिफरेंट चीजें करनी है ना उसी एक करोड़ से मैं अपनी दुकान खरीद रहा हूं जी एसेट आमना क्या आपको क्लियर है आमना। ओके चले जी ये हमें पता चल गया एसेट नहीं अभी एसेट uh, डेबिट पे ना जाए अभी ऐसा ना करें अभी जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं हम पहले उसके हिसाब से चलेंगे पहले हमने क्लियर करना है अपने स्टेप्स नंबर वन हमने दुकान खरीद ली ये, इसका जो पिलर है दैट इज एसेट चले जी अगला मैंने ए खरीद लिया अच्छा मुझे एक चीज बताएं कल हमने डिस्कस किया था ये एक्सपेंस क्यों नहीं है ये जो मैंने दुकान खरीदी है ये एक्सपेंस क्यों नहीं है क्योंकि मैं मैं कैश कैश यूज यूज करके करके दुकान खरीद रहा हूं तनख्वाह दे रहा हूं या बिजली का बिल अदा कर रहा हूं या मैं किराया दे रहा हूं मेरे तो कैश दोनों केसेस में जा रहा है तो ये एक्सपेंस क्यों नहीं है एसेट क्यों है ये यहां पे पहले मुझे क्लियर करें जी बताएं कौन बताएगा लेकिन सर दुकान हमें रेवेन्यू कमा के देती है क्योंकि इससे फ्यूचर में फायदा हासिल करना है भाई जान अगर आप एक बंदे को नौकरी पे रखते हैं उसको आपने तनख्वाह देनी है उसने भी तो आपको कमा के देना है ये ये लॉजिक नहीं है उसमा आफ्ताब ये लॉजिक नहीं है अच्छा जी अली बात क्योंकि इससे फ्यूचर में फायदा हासिल करना है मुस्तकबिल ने सिर्फ इससे फायदा होना है ये कुछ करीब करीब है रेवेन्यू जनरेट होगा इसलिए नहीं रेवेन्यू तो हर देखें मैं बिजनेस में कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे रेवेन्यू मिले मेरी इनकम बने मुझे प्रॉफिट्स आए मैं कमाई करूं मैं रोजगार हासिल करूं मैं तो सारे काम कर इसलिए रहा हूं बिकॉज़ इट कैन गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर ये जो दो बंदों ने उसामा आफताब और मोहम्मद हसन ने कहा कि हमें फ्यूचर में ये बेनिफिट देगा मेरा आपसे सवाल है क्या वो इस वक्त प्रेजेंट में हमें बेनिफिट नहीं देगा उसाम सर कैपिटल यूज करने के बाद वो खत्म नहीं हो जाता शॉप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकती हैं ये कुछ करीब करीब पहले उसामा और असान। उसामा, आपने कहा कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा आसान आपने भी कहा आप प्रेजेंट में कोई बेनिफिट नहीं देगा हमें आप कहते तो माइक ओपन कर दूं आपका माइक ओपन कर सकते हैं <coughs> उसामा अब्दुलरहमान शॉप एक एसेट है और एसेट कैपिटल में फॉल करता है और यहाँ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एसेट कैपिटल में तो नहीं फॉल करता यार सर सर बट सर ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म होगा जी मैं आपको बताता हूँ <coughs> देखें अगर आपने एक चीज पे कॉस्ट लगाई कैश यूज किया कैश यूज किया कैश यूज करने से दो तरह का काम होगा या तो हमारे पास कोई चीज बनेगी या खर्चा हो जाएगा खर्चे से ये मुराद अब भी ये खत्म हो जाएगा लेट्स कि मैं सैलरी देता हूं मैंने अपने नौकर को सैलरी दी सैलरी दी पैसे खत्म हो गए वो उसके हो गए जो मैंने चीज बनाई अगर इस चीज का मुझे आज भी फायदा है और बहुत लंबे टाइम तक इसका फायदा होता रहेगा तो ये मेरा एसेट होगा यानी कि एसेट क्या चीज होगी अगर मैं अपना कैश या बैंक यूज करूं और वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए दैट इज माई एसेट एसेट अब क्लियर है एसेट अब क्लियर है जी ऐसा डप क्लियर है कि मुझे आज भी उसका फायदा है और उसका फायदा होता रहेगा अब मैंने जब सैलरी दे दी तो मेरा एक्सपेंस हो गया मेरा अब ये खत्म हो गया अब ये पैसे उसके हो गए वो अपने यूज करेगा फैमिली के लिए मैंने बिजली का बिल दे दिया वो खत्म हो गया मैंने टेलीफोन का बिल दे दिया वो खत्म हो गया मैंने सफाई वालों को पैसे दे दिए वो खत्म हो गए मैंने इंटरनेट के पैसे दे दिए वो खत्म हो गए बट अगर मैंने दुकान खरीद ली है तो आज भी मुझे उसका फायदा है क्योंकि उसमें मैं कारोबार स्टार्ट करने लगा हूं ये मुझे फायदा देती रहेगी तो सिर्फ फ्यूचर फ्यूचर में में बेनिफिट नहीं आज भी और फ्यूचर में भी और मतलब ऐसे तो नहीं कि मैं दुकान खरीद लू और मैं पांच साल बाद मुझे उससे फायदा होगा अगर मैं उससे दुकान आज ही मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया तो मुझे आज से उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा क्या एसेट और एक्सपेंस अगर मेरा कैश यूज होता है दोनों अलग अलग कर लेंगे या नहीं जी बताएं हसान भाई अलीबाद ने कह दिया यस यस सर और 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 सर कर लेंगे डिफ्रेंशियट सर कर लेंगे बिल्कुल ठीक हो गया परफेक्ट हो गया किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें क्योंकि मैंने कहा ये जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये जिसकी परफेक्ट हो गई उसकी समझें कि डबल एंट्री की बेस बन के इनशाला चले जी अब हम ले लेते हैं एसी हमने खरीद लिया एसी भी बाय कर लिया ये किस पिलर में फॉल करेगा क्या मैं ऐसी खरीदू खरीदूंगा तो उसी वक्त यूज हो जाएगा या मुझे इसे फायदा मिलता रहेगा सर जो चीज हम लेकर आते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए तो कैपिटल होता है ना यार जी आमना बच्चे देखो हमने दुकान खरीद ली हमने एक करोड़ की बात ही नहीं की मैंने बात ही दुकान खरीदने से शुरू की है जिससे हम कारोबार शुरू करेंगे यह सामना वो सरमाया होता है उसको कैपिटल कहते मैंने डायरेक्ट बात शुरू की है कि मैंने एक दुकान खरीद ली है क्योंकि इससे पीछे अगर आप कल की क्लास में थी तो आपको याद होगा कि हमारे पास इस दुकान को स्टार्ट करने के लिए एक करोड़ का सरमाया था कैपिटल मैं उससे आगे चल रहा हूँ खरीद लिया हम ए सी के ऊपर आगे ठीक है ओके आमना को क्लियर हो गया जी हमने ए बाय करना है ए एसेट है और, और इसके अलावा ए एक्सपेंस क्यों नहीं है क्या मैं ए को लेकर आऊंगा तो मुझे अचानक से मेरी दुकान को ठंडा करेगा और ऐसी बिल्कुल फारिग हो जाएगा और दस साल तक दुकान ठंडी रहेगी क्या ऐसा है अगर ऐसा है तो उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं है और उसने मुझे रेगुलर बेसिस पे फायदा देते रहना है तो दैट इज माय एसेट मुझे उससे बेनिफिट मिलता रहेगा चलें जी डन हो गया ये भी हमारा किस पिलर में फॉल करेगा एसेट में फॉल करेगा परफेक्ट हो गया चले आगे चलते हैं अब मैं रैंडम पकड़ता हूं मार्केटिंग में मार्केटिंग में मैंने बोर्ड लगवाए मैंने बड़े बड़े बैनर बनवा के बैनर लगवा दिए मार्केटिंग एक्सपेंस जी किस, किस पिलर में फॉल करेगा और क्यों फॉल करेगा किस पिलर में फॉल करेगा और क्यों फॉल करेगा मार्केटिंग में करवा रहा हूं सामा करियाना स्टोर की कि यार हाँ आओ मेरे पास हर चीज मिलेगी सस्ती मिलेगी इतना डिस्काउंट मिलेगा ये होगा वो होगा फ्ला होगा फ्ला होगा जी आमना ने कहा एक्सपेंस अहमद भाई ने भी कहा एक्सपेंस क्योंकि मार्केटिंग एसेट मार्केटिंग एसेट है उसमा भाई मार्केटिंग एसेट है कैसे माइक भी ओपन किया जा सकता है आपके लिए एडवर्टाइजिंग जी किसका किसने कहा था एसेट है उसामा आफ्ताब उसामा भाई एसेट कैसे कह रहे हैं सब ने कहा एक्सपेंस है क्योंकि देखें इस पे मैंने पैसे लगाए पैसे मेरे यूज हो गए बैनर लग गए अब लोगों ने उसे देख लिया और मेरा काम हो गया अब लोगों की मर्जी है आए ना आए देखें ऐसा उस वक्त होता कि लाहौर शहर में मैं बैनर लगाऊं कि मैंने जी सामा किराना स्टोर खोला है लोग मेरा बैनर देखें और मेरा बैनर देखने के बाद हर बंदा मेरी दुकान पे आया भाई सौ लोग देखेंगे एक बंदा आएगा तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो लगी और खत्म हो गई हो सकता है उसका बेनिफिट हो हो सकता उसका बेनिफिट ना हो तो ये मेरा खर्चा हो गया क्या ख्याल है उसामा आफ्ताब पेड द फी फॉर टीवी यार देखें एडवांस वाले सवाल तो ना, ना पूछे आप अभी भाई कुछ लोग हैं हमारे जो अभी इस पिलर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी आएंगे उस पर अभी मैंने बैनर की बात की है जो दीवारों पे लगते हैं अभी सिर्फ उसकी बात की है टीवी एड्स की बात नहीं की जो भी हमारे सामने है हम उस पर बात कर रहे हैं सब चीजों पे आएंगे उसामा भाई सब चीजों पे आएंगे स्टेप 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 बाय ऐसे सीढ़ियां का जो है 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 जैसे एक एक होता है, उसको लेकर चलना ताकि हम आराम से आखिरी फ्लोर पे पहुंच जाए जब हम आखिरी फ्लोर पे पहुंचे वहां पे जाके एक झंडा गाड़े डन विद अकाउंटिंग और माइक ड्रॉप कर दें ठीक है जी चले जी सब ने कहा एक्सपेंस क्योंकि ये मेरा खर्चा है चले जी ये हमारा हो गया हमने हमने फ्लैक्स लगवा दिए ये मेरा किस पिलर में आ गया एक्सपेंस में आ गया। आगे चलते हैं जी मैंने अपनी दुकान के लिए नोट पैड प्रिंट करवाए जिसके ऊपर मैं बिल शिल बना के दूंगा हाँ जी किस पिलर में फॉल करेगा कौन है हमारे साथ नोट पैड मैंने प्रिंट करवाए एक्सपेंस जी ने एक्सपेंस और एक्सपेंस और एक्सपेंस एक्सपेंस बिल्कुल ठीक हो गया मैंने एक नोटपैड बड़ा सा बनवा लिया जिसमें मैं बिल बना के दूंगा तो ये मेरा खर्चा हो गया मैंने ये नोट पैड बना दिया एक्सपेंस हो गया आगे चलते हैं मैंने जी यूपीएस ले लिया दुकान के लिए कि यार पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है मैं एक यूपीएस ले लेता हूँ ताकि मुझे भी गर्मी ना लगे और जो मेरी दुकान पे काम करते हैं उनको भी गर्मी ना लगे जी यूपीएस मैंने खरीद एसेट यूपीएस एसेट इज एसेट सामा भाई एसेट एसेट हुई ये तो तीस चालीस इकट्ठे गए यूपीएस हमने बाय किया यूपीएस इज एसेट। क्योंकि यूपीएस हमें टाइम टू टाइम फायदा देता रहेगा इसको ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे लगाए हैं तो मैं पैसे लगाने के बाद ये बस एक्सपेंस हो गया कंज्यूम हो गया कंज्यूम नहीं होना इसने हमें फायदा देते रहना अभी भी आगे भी चले जी आगे हमारे पास क्या है जी आगे हमारे पास है मैंने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर खरीद लिया जी जी फर्नीचर क्या है एसेट 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 एसट एसट एसठ हो बिल्कुल ठीक हो गया आप लोग तो तेज हो गए मैंने फर्नीचर खरीद लिया एसेट हो गया अब जैसे फर्नीचर है वैसे ही टेबल चेयर है उसमें यह भी हमारे पास क्या हो गया एसेट हो गया तो हमारा टेबल चेयर भी कवर हो गई चले जी आगे चलते हैं हमने घड़ी खरीद ली भाई इधर पता लगेगा हमने घड़ी खरीद ली दुकान में लगाने के लिए क्लॉक इज एसेट चले जी एसेट हमारा हो गया परफेक्ट हो गया ओके okay, आगे चलते हैं अच्छा जी ये मैंने स्टॉक खरीद लिया उधार पे मैंने तकरीबन पचास लाख का स्टॉक लिया है जिसमें से तीस लाख का कैश पे लिया है और बीस लाख का क्रेडिट पे लिया है जी बताएं क्या क्या चीज है इसमें मैंने स्टॉक खरीद लिया बीस लाख बुशरा ने कहा लाइबिलिटी है इसका मतलब हमने ये वापस करने हैं हमारी लाइबिलिटी है ये हमारे ऊपर कर्ज है डेट है जो हमने देना है चले जी बीस लाख कैपिटल कौन सा कैपिटल कैपिटल क्या इसमें से जो चीजें अलग अलग हैं वो बताया है ना अभी बीस लाख जो था ये हमने क्रेडिट पे लिया यानी कि उधार लिया ये हमारा हो गया लाइबिलिटी का हेड जी तीस लाख का क्या है तीस लाख का हमने स्टॉक लिया तीस लाख ,00 की कैपिटल कौन कह रहा है तकवा नहीं नहीं बच्चे ऐसा नहीं है बीस लाख ,00 तो हमने देना है तीस लाख ,00 जो हमने लगाया है उससे हमारे पास क्या आया है स्टॉक स्टॉक क्या है हमारा एसेट है ना बच्चे ठीक है जी बीस लाख ,00 और तीस लाख तकवा आपको क्लियर है बीस लाख ,00 और तीस लाख ,00 में से इन्वेंट्री यस स्टॉक इन्वेंट्री की बात होगी ना चले क्लियर हो गया आगे चलते हैं अब हमारे पास हमने कंप्यूटर ले लिया जैसे ये काउंटर भी वो है फर्नीचर है तो काउंटर भी लिख देते हैं यहां पे हमने कंप्यूटर ले लिया कंप्यूटर क्या होगा जी कंप्यूटर देख लेते हैं कंप्यूटर क्या कह रहे हैं सब लोग कंप्यूटर एसेट है क्योंकि ये भी यूज होता रहेगा हमें फायदा आता रहेगा इसका ठीक है जी चल गुड हो गया कंप्यूटर हमारा एसेट है आगे चलते हैं हमने आप अपने जो हमारे पास लड़का काम कर रहा है उसको हमने तनख्वाह दी सैलरी दी सैलरी सैलरी क्या है जी किस पिलर में फॉल करेगी सैलरी सैलरी एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस है हमारा खर्चा है हमारा खर्चा है बिल्कुल एक्सपेंस है बिल्कुल ठीक हो गया परफेक्ट हो गया ये हमारा एक्सपेंस हो गया ओके okay. अच्छा जी मैंने सेल्स की मेरे पास कस्टमर आए मैंने उनको अपना जो स्टॉक था जो मैंने चीजें लेकर रखी हुई थी वो मैंने सेल की हाँ जी बताएं किस पिलर में फॉल करेगा सेल्स इनकम बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है इनकम बिल्कुल ठीक है रेवेन्यू इनकम जी एक ही बात है रेवेन्यू हो या इनकम ठीक है जी परफेक्ट हो गया आगे चलते हैं चलें जी अब मैंने ले लिए कैमरे लॉकर्स और वेस्केल तीन चीजें ले ली कैमरे लॉकर और वेस्किल कैमरा लॉकर वेस्किल जी बताएं ये क्या क्या चीजें हैं क्या इसके ऊपर मैंने पैसे लगाए तो ये फौरन से खत्म हो गई चीज क्या इसने मेरे पास रहना है और मुझे फायदा देते रहना है सब एसेट हैं या कोई एक एसेट है इसमें से कैमरा लॉकर और वेस्किल सब सब एसेट है सब एसेट है एसेट, एसेट, एसेट वापस चलते हैं अब हमारी ये लाइन में क्या रह गया इसी तरीके से अब हमें एसेट का पता लग गया है रेफ्रिजरेटर भी एसेट है डिस्पेंसर भी एसेट है कैलकुलेटर भी एसेट है चले जी रेफ्रिजरेटर एसेट डिस्पेंसर भी एसेट और कैलकुलेटर भी एसेट ठीक हो गया अब वापस चलते हैं हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट होगी हमने गार्ड को मंथली के पैसे दिए और सैलरीज हम कर चुके हैं। गार्ड को हमने मंथली पैसे दिए जी गार्ड को जो पैसे दिए हैं वो क्या होगा हमारा एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है हमने उसको पैसे दिए तो हमारा खर्चा हो गया यार आप लोग तो बहुत फास्ट जा रहे हैं माशाल्लाह गार्ड को हमने पैसे दिए तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस हो अब अगर आप देखो एसेट भी यूज कर रहे हैं हम लाइबिलिटी भी यूज कर रहे हैं एक्सपेंस भी यूज कर रहे हैं इनकम भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है हमें कोई नुकसान हो जाता है हमें कोई नुकसान हो जाता है लेट से ऑयल का एक पैकेट एक पैकेट पांच के जी का ये फट गया और जमीन पे गिर गया क्या करेंगे इसके साथ लॉस इज एक्सपेंस हमारा खर्चा हो गया नुकसान हो गया ठीक है जी परफेक्ट हो गया ये भी हमारा एक्सपेंस है अच्छा जी और हमारे पास कोई कैटेगरी रहेगी जो हमने करियना स्टोर की वो करनी हो हमने ये सारे एसेट बना लिए अच्छा जी ये आ गए हमारे पास बिल हर तरह का बिल आ गया बिल्स में हमारे पास हर तरह के बिल आ गए बिल में आ गया जी बिजली गैस पानी और इंटरनेट ये क्या है जी हमारे पास हर पूरे महीने के चार तरह के बिल आ गए सारे बिल हमारा खर्चा है एक्सपेंसेस और कुछ रह गया जी यहां पे मार्केटिंग हो गया बिल्स हो गए सेल्स हो गई अच्छा परफेक्ट हो गया अब हम इन 22 हेड्स पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास इस बिजनेस में टोटल जो एरियाज हैं वो हैं 22. अब जैसे हमने बात की हमारे पास पिलर्स थे कैपिटल नंबर वन नंबर टू एसेट नंबर तीन लाइबिलिटी नंबर फोर एक्सपेंसिस और नंबर फाइव इनकम एक चीज़ रह गई एक चीज़ रह गई हमने ये बिजनेस शुरू किया था एक करोड़ से इसमें से इसमें से हम आ, पचास लाख था हमारा और पचास लाख हमने बैंक से लोन दिया था बैंक से हमने पचास लाख लोन लिया था अब ये एक करोड़ क्या है ये जो हमने एक करोड़ से बिजनेस शुरू किया अपने किरियाना की दुकान शुरू की एक करोड़ क्या है अच्छा एक करोड़ है कैपिटल एक करोड़ है कैपिटल 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 है एक करोड़ सॉरी क्या इसमें कोई और चीज है भाई पचास लाख भी लिया है कहीं से जो हमने वापस करना है हमने दो पचास लाख हो गए ना ये और ये दोनों को मिला के मैंने बिजनेस शुरू करना है ये सारी अमाउंट तो होगी कैपिटल पचास लाख मैंने लोन लिया है ये मैंने वापस करना है दैट इज लाइबिलिटी तो अब बताएं जितने एरियाज हमने देखे क्या उसमें से हमारा एसेट हमारी लाइबिलिटी हमारा कैपिटल हमारा एक्सपेंस हमारी इनकम क्या अगर हमारे सामने कोई ऐसा सवाल है जिसमें ये सारे हेड्स हों तो क्या हम उनको उनके पिलर्स में फॉल करवा लेंगे सान भाई होली 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 जी क्या हर एक एक्टिविटी को हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो उनके पिलर्स में फॉल कर लें चले जी परफेक्ट हो गया आगे चलते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्री की गेम इनकी नेचर लिखते हैं इनकी नेचर लिखते हैं अरे यार ये तो चेंज नहीं चले इनकी नेचर क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट इसका मतलब यह है कि अब हमें पता है कि कौन सी चीज कहां पे फॉल करती है और उनकी कैटेगरी क्या है अब मुझे एक बात बताएं इसको डबल एंट्री करने के लिए क्या दो चीजें देखनी पड़ेंगी क्या ये चीज इंक्रीज हो रही है क्या ये चीज डिक्रीज हो रही है इसको याद रखिएगा जो इसकी बाय डिफॉल्ट नेचर होगी दैट इज दीज वैल्यूज कैपिटल की क्रेडिट है एसेट की डेबिट है लाइबिलिटी की क्रेडिट है एक्सपेंस की डेबिट यानी इनके साइंस है जैसे हमने देखा हमारे पास जमा नफी के साइंस जैसे हमने देखा हमारे पास जमा नफी के साइंस जी क्या ये क्लियर है क्या ये क्लियर है अब अगर एक एसेट उसकी नेचर डेबिट है और ये इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ तो हम इसको कहेंगे कि डेबिट हुआ यानी कि ये जितनी नेचर्स हैं जितने साइंस हैं इंक्रीज के साथ ये सेम रहेंगे ऐसे, ऐसे कर लेते हैं इंक्रीज uh, के साथ सेम रहेंगे अच्छा जी डिक्रीज के साथ रिवर्स हो जाएंगे क्या ये बात क्लियर समझ आई यानी क्या देखो अगर बैंक की नेचर एसेट है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी नेचर एसेट है एसेट की नेचर डेबिट है अगर ये एसेट बढ़ता है इसका मतलब ये एसेट हमारा डेबिट हो गया बाय डिफॉल्ट उसकी जो नेचर होगी अगर वो इंक्रीज हो रहा है वो अपनी नेचर पे रहेगा अगर वो डिक्रीज होता है वो रिवर्स हो जाएगा यानी कि अगर मेरे पास एक लाख का कैश है अगर मेरे पास एक लाख का कैश है और उसमें से मैं दस हजार यूज करता हूँ कैश मेरा एसेट है दस हजार मैं यूज करता हूँ अब एक लाख से ये नब्बे हजार हो गया अब अगर ये कम होता है तो उसकी जो नेचर है ये रिवर्स हो जाएगी यानी कि अब एसेट क्रेडिट हो गया एसेट क्या हो गया क्रेडिट हो गया डबल एंट्री में एक, एक एक्टिविटी के ऊपर जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं अकाउंटिंग में उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। यानी कि मैंने ये एसी जो खरीदा एसी खरीदा अब एसी सी एक एसेट है एसी पहले जीरो पे था अब एसी चला गया एक क्वांटिटी पे इसका मतलब एसी बढ़ा एसेट है और एसेट बढ़ा इसका मतलब एसेट डेबिट हो गया जी एसी कैसे डेबिट हुआ यानी कि जो इनके साइंस हैं जो इनकी नेचर है बाय डिफॉल्ट इंक्रीज के साथ ये अपनी नेचर पे रहेंगे अगर ये डिक्रीज होता है तो रिवर्स हो जाएंगे क्या ये दो लाइनें क्लियर है क्या ये दो लाइनें क्लियर हैं? ओके अब मुझे बताएं। हर ट्रांजैक्शन में जैसे हमने ये ए सी का पहलू देखा हर ट्रांजैक्शन में इसका एक दूसरा पहलू होगा इस एसी की ट्रांजैक्शन में दूसरा पहलू क्या था इस एसी की ट्रांजैक्शन में दूसरा पहलू क्या था एसी खरीदने की जो ट्रांजैक्शन हमने की है जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है इसका दूसरा पहलू क्या था हमने कैश दिया है नहीं 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 ये तो उस स्टोर की बात है ना जिसने एसी बेचा है हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं हमने कैश दिया है कैश दिया है एसी लिया है इसका मतलब अगर हम कुछ भी करेंगे अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका एक दूसरा पहली भी होगा अगर मैंने एसी खरीदा है तो मैंने कैश दिया भी है यस यस हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं हमने हमेशा अपने हिसाब से देखना है यानी कि ये जो आप बात हैं ना अहमद कि हमने अपने हिसाब से देखना है जो बंदा जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा है वो सिर्फ उसी हिसाब से देखेगा मैं उसामा स्टोर स्टोर को चलाता हूं। मैं उसामा स्टोर के हिसाब से देख रहा हूं। कि यार मैंने इसी लिया है अगर मैंने इसी लिया है तो मैंने पैसे दिए भी हैं अब अब हम अगर ये थीम क्लियर है तो हम हर उस ट्रांजैक्शन पे वापस जाते हैं जो हमने की है अभी रुक जाए अभी रुक जाए रुक जाए आसान हसान भाई अहमद भाई ये जो दूसरा पहलू अभी नया निकला एक नई साइंस निकली क्या ये क्लियर है क्या ये भी मेरे लिए मेरा पहलू है मुझसे रिलेटेड है क्या ये मैंने ही सोचना है क्या ये मैंने ही करना है कि अगर मैं एसी ले रहा हूं तो एसी मैंने कैसे लिया मैंने पैसे दिए तो इसका मतलब इस एक्टिविटी में दो चीजें हैं एक मैंने एसी लिया है एक मैंने पैसे दिए जैसे मैं अगर सैलरी दे रहा हूं अपने नौकर को अपने एम्प्लॉ को अपने स्टाफ को मैंने उसको सैलरी दी अब मैंने पैसे भी दिए हर एक एक्टिविटी हर एक ट्रांजैक्शन का दूसरा पहलू होगा डबल एंट्री की खूबसूरत बात अभी अभी एंट्री पे आता हूं यार रुको, वन आ रहा हूं डबल एंट्री की खूबसूरत बात के दोनों पहलू दोनों पहलू जिसको हम साइड्स कहते हैं एक साइड ए है एक साइड क्या है कैश ये दोनों इक्वल होंगे ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे आता भी आता भी आता हूं 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 अभी जी एम्प्लॉयज की सैलरी हम पे लाइबिलिटी होगी सर जब तक सैलरी पे नहीं की अब मेरे ऊपर कर्ज है वो मैंने देने हैं जब तक मैं सैलरी नहीं देता मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टाफ मेंबर है वो एक सितंबर से तीस सितंबर तक काम करता है अब मैंने तीस सितंबर के बाद उसे अभी पैसे नहीं दिए बट मेरी जिम्मेदारी बन गई मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन गई मैंने उसे पे करना है तो यस हमने उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है जी ये दूसरा पहलू अब हम ये दूसरा पहलू जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरा मैंने ये कहा कि दोनों पहलू ये बराबर होंगे क्या ये क्लियर है यानी कि जो डबल एंट्री है उसमें दो साइड आ गए एक डेबिट एक क्रेडिट जो हम एक्टिविटी करते हैं जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी दूसरी साइड भी होती है तो ये दोनों साइडें मिलके ये बराबर हो जाती हैं एंट्री बैलेंस होगी इक्वल होगी क्या ये दूसरा पहलू क्लियर है अगर क्लियर है फिर हमने जो काम किया है उसमें चलते हैं वापस जो हमने ये पिलर्स में डाला था ओए, ओए, ओए अब आ जाते हैं वापस जी हमने दुकान खरीदी हमारे पास क्या आया दुकान आई दिया क्या कैश दिया दोनों पहलू आ गए जी दोनों पहलू आ गए इसमें दोनों पहलू आ गए दोस्तों भाइयों बुजुर्गों बहनों अच्छा जी अब इसकी एक अमाउंट रखते हैं पांच लाख क्या चीज पांच लाख पांच लाख डॉलर कर लेते हैं जी पांच लाख है अब मुझे एक बात बताएं क्या शॉप मेरे पास पहले थी क्या पहले मेरे पास शॉप थी मैं इसको ना अलग ये नीचे नीचे ही इसको स्टार्ट करता हूं ताकि मैं सारी चीजें लिख सकू एंट्री मेरी मैंने दुकान जो खरीदी ये मैंने बाय की तो मेरे पास दुकान आई पहले इसकी क्वांटिटी थी जीरो इंक्रीज मतलब और ये एसेट इंक्रीज हुआ है इसका मतलब एसेट हो गया डेबिट अपनी नेचर पे रहेगा डेबिट का जो साइन होता है उसको कहते हैं डीआर डेबिट का जो साइन होता है उसको क्या कहते हैं डी आर हसान भाई होली होली मैं होली होली बाकी समझा रहे हैं तुसी तेज बंदे है। कुछ मेरे तरह स्टूडेंट भी ने, ने जी क्या दुकान की क्वांटिटी मेरे पास पहले जीरो थी अगर दुकान में खरीदता और दुकान एक एसेट है तो क्या एसेट की क्वांटिटी पहले जीरो थी खरीदने के बाद वो कितनी हो गई एक हो गई इसका मतलब एसेट बढ़ गया एसेट में इंक्रीज आ गया अब जो हमने पिलर इसका बनाया था इसका पिलर था एसेट मैंने कहा था कि इसकी जो नेचर होगी अगर ये इंक्रीज करेगा, तो अपनी नेचर पे डेबिट हो जाएगा पांच लाख से अब जो मैंने कैश दिया मैंने कैश दिया मेरे पास कितना कैश था बहुत सारा कैश था एक, एक करोड़ कैश था ना हाँ एक करोड़ कैश था एक करोड़ कैश में से जब मैं पांच लाख दूंगा तो क्या ये बढ़ेगा कि कम होगा क्या ये एसेट बढ़ेगा कि कम होगा क्या ये एसेट बढ़ेगा या कम होगा डिक्रीज होगा इसका मतलब पहले मैंने देखा कि कैश है क्या मैंने जी इसको देखा जी कैश मेरा एसेट है कैश मेरा एसेट है अब मैंने देखना है इसकी नेचर मुझे पता चल गई कि ये एसेट है अगर तो ये बढ़ता तो मैं इसको करता डेबिट यहां पे ये हुआ है कम तो इसको मैं करूंगा क्रेडिट तो ये मेरे पास आ गया कैश क्रेडिट इसका साइन है सी आर पांच लाख से ये मेरे पास हो गई डबल एंट्री एक ट्रांजैक्शन की दो एंट्री है. यानी दो साइड दो पहलू डबल एंट्री एक एंट्री में डबल इंपैक्ट इस एंट्री की जिसको समझ नहीं आई वो बताए मैं कह सकता डेबिट से प्लस <laughs> जैसे प्लस है प्लस एक साइन है एक एक थीम है एक रूल है एक इशारा है कि भाई जब प्लस का मतलब होगा तो ऐड करना तो डी आर का मतलब उस नेचर उस पिलर की नेचर में जो चीज फॉल कर गई है वो इंक्रीज हुई है मतलब हमने जब दुकान की बात की वो एसेट के पिलर में उसने फॉल किया अब मैं देखता हूं एसेट जो एसेट में दुकान पहले जीरो क्वांटिटी पे थी अब एक क्वांटिटी पे आ गई मेरा एसेट बढ़ गया अब एसेट की जो नेचर है एसेट डेबिट वो बढ़ गया तो वो डेबिट हो जाएगा अब कैश कैश की नेचर भी आ, कैश भी जो पिलर है वो किस में फॉलो करता है वो एसेट में फॉल करता है अब कैश में मेरे पास एक करोड़ था अब मेरे पास पांच लाख कम हो गया मैंने दुकान खरीदी तो मेरे जो एसेट का जो पिलर है उसकी नेचर है डेबिट अब वो कम हुआ है अब मैं इसका साइन रिवर्स कर दूंगा दैट इज क्रेडिट तो मेरे पास हो जाएगी शॉप डेबिट और कैश क्रेडिट क्या ये एंट्री क्लियर है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एंट्री करते हुए तीन कॉलम बने एक हो गई डिस्क्रिप्शन एक हो गया डेबिट एक हो गया क्रेडिट यहां पे पीछे आ जाएगा डेट जिस डेट पे हुआ ये मेरे पास आ गया शॉप डेबिट पांच लाख से और मेरे पास डिस्क्रिप्शन में आ गया क्या कैश पांच लाख से ये मेरे पास डबल एंट्री का फॉर्मेट बन जी बताएं सवाल इस पे तो यार बहुत ज्यादा सवाल पूछे ये मेरे पास डबल एंट्री का फॉर्मेट बन गया सर डिस्क्रिप्शन में अकाउंटिंग हेड नहीं लिखना होता ये ये बच्चे शॉप इज अकाउंटिंग हेड जो नाम होते हैं ना चीजों के वो अकाउंटिंग के हेड्स होते हैं जो नाम है ना जैसे कैश अब अब ये देखो एसेट है ना मेजर कैटेगरी एसेट है इस एसेट की कैटेगरी में ये दोनों हेड ही है शॉप एक एसेट है कैश एक एसेट है तो इस एसेट के पिलर में जो जो चीज फॉल करेगी उसका जो नाम होगा वो एसेट में हेड बन जाता है तो शॉप एक हेड है कैश भी एक हेड है पिलर सब पिलर जैसे हेड सब हेड मेन हेड है एसेट उसमें जितनी चीजें आएंगी वो सब मिलके एसेट बनाती है इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन कोई मसला कोई सवाल जी क्या ये क्लियर है ऑल क्लियर ओके 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 यस सर अगली चीज हमने ये हमारी पहला हो गया हमने नोट पैड प्रिंट करवाए हमने नोट पैड प्रिंट करवाया हमने एक बड़ा सा रजिस्टर रजिस्टर कर लेते हैं यार बड़ा सा रजिस्टर एक प्रिंट करवाया जिसके ऊपर हमने डिफरेंट डिटेल लिखनी है <laughs> अकाउंटिंग हेड एसेट कैपिटल को एक, अकाउंटिंग हेड एसेट कैपिटल एक्सपेंस को कहेंगे Uh, देखें जो पिलर्स है ना पिलर्स ये मेन हेड्स हैं एसेट एक्सपेंस इनकम कैपिटल ये मेन हेड है फिर इसमें छोटे छोटे हेड आएंगे जैसे अभी हमने एक एंट्री की सब हेड्स शॉप और कैश uh, ये सब हेड है सब डिटेल है उसके सब हेड्स हैं जी क्लियर है हम ना पिलर्स मतलब अकाउंटिंग हेड्स जी यस yes, ऐसे कह सकते हैं पिलर्स मेन हेड्स बड़े वाला हेड जैसे दादाजी एक फैमिली में दादाजी एक पिलर पांच भाई थे पांचों भाई अलग अलग पिलर फिर उनके बच्चे अलग अलग सब पिलर सब हेड्स ठीक है चले अच्छा नोट पैड हमने प्रिंट करवाई है किस किस पिलर में फॉल करते हैं एक्सपेंस में अगर ये दस हजार का एक्सपेंस है क्या ये दस हजार का एक्सपेंस पहले था क्या ये दस हजार का एक्सपेंस पहले था एक्सपेंस की नेचर क्या है पहले हमने देखना किस पिलर में फॉल करता है हाँ जी नहीं देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना अभी आप सीख रहे हैं ना जब आप सीख जाएंगे फिर आप मास्टर बन जाएंगे एक्सपेंस के पिलर में फॉल किया और इसकी नेचर होती है डेबिट क्या ये पहले ये डेबिट या ये एक्सपेंस पहले था नहीं तो ये एक्सपेंस जीरो से हो गया दस हजार इसका मतलब ये इंक्रीज हो गया रजिस्टर का एक्सपेंस डेबिट दस हजार से इसका दूसरा पहलू बताएं दूसरा पहलू नहीं क्रेडिट नेचर क्यों है अहमद हाँ दूसरा पहलू यह है कि अगर मैंने दस हजार का रजिस्टर प्रिंट करवाया है तो भाई मैंने कैश दिया है मैंने क्या किया है कैश दिया है और कैश मेरा पिलर है एसेट और यह कम हुआ है इट मींस इसकी जो नेचर है दैट इज डेबिट अब ये कम हुआ है तो यह रिवर्स हो जाएगी क्रेडिट कैश क्रेडिट दस हजार से

डबल एंट्री में कुछ मैं अगर आप चीजें बताऊं करना क्या है डबल एंट्री में एक दो फीचर इसमें दो चीजें हैं मैक्सिमम गिवन और टेकन अगर मैं ए ले रहा हूं तो मैं कैश दे रहा हूं अगर ए वाला अपनी अकाउंटिंग कर रहा होता वो एसी दे रहा होता और कैश ले रहा होता मैं एसी ले रहा हूं कैश दे रहा हूं अगर उसकी अकाउंटिंग कर रहे थे तो इसका मतलब दो पार्टी हैं, क्या ख्याल है दो पार्टियां और दोनों को अपनी अपनी जगह पे फायदा होगा अगर मैं अपने पॉइंट से सोचूं, मुझे एक चीज में फायदा होता है एक चीज में नुकसान होता या एक चीज मेरी बढ़ती है दूसरी मेरी चीज कम होती है अगर वो जो चीज बढ़ती है अगर वो किसी मेरे पिलर में फॉल करती है तो जो उसकी नेचर होगी वो हमारा हो जाएगा जैसे एक्सपेंस बढ़ा जो कि पहले नहीं था तो ये डेबिट हो गया अब कैश कैश मेरा एसेट के पिलर में फॉल करता है कैश मुझे रजिस्टर वाले को देना पड़ा है मेरा एसेट कम हुआ उसकी नेचर डेबिट है अगर एसेट कम होगा तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा ये क्रेडिट जाएगा जी टू पार्टीज दो पहलू डेबिट और क्रेडिट का ये क्लियर है अगर आप देखें तो ये देखें जितनी चीजें ये डेबिट वाले कॉलम में आएंगी इनका जो टोटल है उतनी चीजें जो क्रेडिट के कॉलम में आएंगी उनके टोटल के बराबर होगा यहां तक बताएं एक बेसिक थीम हमने कर लिया कि हमने देखा पिलर्स हैं उनकी एक नेचर है जो चीजें हो रही हैं जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको अकाउंटिंग में कहते हैं ट्रांजैक्शन जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है हम देखते हैं एक पहलू पहले पकड़ के देखते हैं उसको पिलर में फॉल करते हैं देखते हैं यार इसकी नेचर डेबिट थी ये बढ़ा है तो ये डेबिट हो गया दूसरी चीज उसकी नेचर क्रेडिट थी वो अगर बढ़ा है तो क्रेडिट हो गया कम हुआ है तो रिवर्स हो गया फिर हमने देखा कि इसमें दो पार्टी हैं एक एक को एक अगर मैं अगर किरियाना स्टोर की तरफ से देखो तो मुझे एसी मिला मुझे फायदा हुआ मेरा कैश क्या मुझे नुकसान हुआ इसका मतलब मतलब मुझे एक चीज मिल रही है और एक चीज मैं दे रहा हूं इसका मतलब मुझे एक चीज देनी पड़ रही है एक चीज लेनी पड़ रही है तो दूसरी पार्टी को ऐसे ये एक चीज देनी पड़ रही है एक चीज लेनी पड़ रही है हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसका आप हिसाब किताब कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बस जैसे मैं उसामा कराना स्टोर को अगर चला रहा हूँ मैंने ए खरीदा तो मुझे ए मिला मेरे पास ए सी किस पिलर में फॉल की एसेट में। एसेट में पहले मेरे पास जीरो था एसी का अब ये एक हो गया इसका मतलब एसेट मेरा बढ़ गया और इसकी बाय डिफॉल्ट नेचर है डेबिट अगर एसेट बढ़ता है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा इसके अगेंस्ट मैंने कैश दिया कैश का जो पिलर है वो एसेट अब कैश जब मैंने दिया मेरे पास कैश ज्यादा था अब कम हो गया इसका मतलब मेरी जो बाई डिफॉल्ट नेचर है अगर वो डिक्रीज होगी तो मैं रिवर्स करूंगा, वो क्रेडिट हो जाएगा इसलिए मैं ऐसी को को कर कर रहा हूं, कैश को कर रहा हूं। हमें कैसा अभी हम उसामा किराना स्टोर के अकाउंट्स बना रहे हैं जिसके हम खाता बना रहे हैं जिसका हम हिसाब किताब कर रहे हैं जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं जिसका हमने प्रॉफिट निकालना है जिसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यानी कि जिस बिजनेस के हम अकाउंट से बना रहे हैं हमने उस पार्टी को देखा जी अहमद जी ये क्लियर है अगर क्लियर है तो अब चलते हैं आगे अगर ये क्लियर है तो अब चलते हैं आगे अब इसका मतलब ये हमारे पास हम ना पहले एसी, ए सारे एसेट सिलेक्ट कर लेते हैं एसी हमारे पास यूपीएस हमारे पास फर्नीचर टेबल एंड चेयर क्लॉक हमारे पास और कौन सा एसेट है कैमरा लॉकर वे स्केल रेफ्रिजरेटर डिस्पेंसर कैलकुलेटर जी ये अब मैं नीचे आ जाता हूँ ये हमें समझ आ गई कि मैंने सारे एसी लिए हर तरह का जो एसी है वो मेरा एसेट है। ये मेरे पिलर में फॉल करते हैं और ये बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा डेबिट इसके बदले में मैंने कैश दिया है ये भी मेरा एसेट ये कैश कहाँ पे फॉल करता है पिलर एसेट में और मुझे कैश पे करना पड़ रहा है इसका मतलब एसेट कम हो रहा है इसकी बाय डिफॉल्ट नेचर डेबिट है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा दैट इज क्रेडिट अब यहाँ पे आ जाएंगे सारे सी यूपीएस क्लॉक डिस्पेंसर रेफ्रिजरेटर ये कि ये हो गया दस लाख दस लाख से ये सारे डेबिट और ये ये क्रेडिट सेपरेट सेपरेट एंट्री करनी है ये मैंने समझाने के लिए कर दिया हर एसेट की सेपरेट एंट्री करनी है अब मुझे ये बताएं कि कुछ भी हमारे बिजनेस में एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हो अगर वो एसेट हो तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एसेट पिलर में फॉल करता है नंबर वन मेरा सवाल है क्या हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एसेट के पिलर में फॉल करता है आमना तारिक ने कहा यस yes, सर और डेफिनेटली चलें इसका मतलब हमारे एसेट्स वाली चीजें परफेक्ट होगी अब हम आ जाते हैं एक्सपेंस वाली चीजों पर एक्सपेंस मैंने फ्लेक्स लगवाया नोटपैड कर लिया था मैंने फ्लेक्स दीवार पे लगवाया क्या ये मेरा जो फ्लेक्स लगवाना है फ्लेक्स में दो तरह के एक्सपेंस होंगे बताएं जी कौन कौन से फ्लेक्स में दो तरह के एक्सपेंस हैं कौन कौन से एंड लेबर देखें पहले मैंने फ्लेक्स प्रिंट करवाया जो कि मुझे पांच हजार था। दीवारों पर खंबों पर लगवाया तो मेरी मजदूरी आई जिस बंदे से मैंने अब ये लेबर अमेरिकन ऐसे लिखते हैं ब्रिटिश ऐसे लिखते हैं ओ और यू का फर्क वो आप लोगों को पता है मेरी यहाँ पे लेबर आई सौ रुपए इसका मतलब ये भी मेरा एक्सपेंस है ये भी एक्सपेंस है सबसे पहले फ्लेक्स इसका पिलर कौन सा है दैट इज एक्सपेंस क्या ये फ्लेक्स की प्रिंटिंग पहले पांच हजार मेरे पास थी नहीं ये बढ़ा क्या ये मजदूरी मैंने पहले यानी कि इस बंदे को जो मिस्टर ए को मैंने ये मंजूरी करवाई ये भी मेरे पास बढ़ा इसकी नेचर क्या होती है इसकी नेचर होती है डेबिट इसकी नेचर होती है डेबिट इसका मतलब मेरे पास फ्लेक्स की जो प्रिंटिंग है पांच कितने थे पांच हजार से डेबिट और लेबर हजार कर लेते हैं हजार से डेबिट दो तो डेबिट हो गए अब मुझे बताएं जब मैंने प्रिंटिंग करवाई जब मैंने प्रिंटिंग करवाई तो मेरा जो पांच हजार कैश है पांच हजार कैश इसका जो पिलर है दैट इज एसेट फिर मैंने मजदूरी दी एक हजार इसका भी पिलर है एसेट इसकी नेचर है डेबिट इसकी भी नेचर है डेबिट क्योंकि एसेट है अब ये डिक्रीज हो रहा है अब मुझे रिवर्स करना पड़ेगा कैश को क्रेडिट 6000 से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एंट्री अलग अलग अब चूंकि ये हेड सेम था इसलिए मैंने और ये एक्टिविटी भी मिलती जुलती थी इकट्ठे हुई मैंने इकट्ठे कर दी सेपरेट इज बेस्ट आपने हमेशा सेपरेट एंट्री करनी शायद मुझे आपसे थोड़ी सी बेहतर एंट्री करना आता है इसलिए मैं इकट्ठे कर दूं तो मसला नहीं है लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि हमने इसको इकट्ठे एंटर करना है एक्सपेंसेस का पिलर आइडेंटिफाई करके उसकी बाई डिफॉल्ट जो नेचर है डेबिट उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या ये मेरा एक्सपेंस बढ़ा है या कम हुआ है फिर उसके अगेंस्ट जो दूसरा पहलू है जो दूसरी साइड है अगर हमें ये इसका एक फायदा हुआ तो एक हमें नुकसान हुआ कि हमारा कैश गया उसका जो पिलर है वो एसेट है उस वो कम हुआ उसकी नेचर डेबिट थी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया क्या ये क्लियर है सर एक बार दोबारा दें प्लीज समझ नहीं आई कौन सी चीज भाई अली भाई कौन सी चीज कौन सा पॉइंट अलीबाद कौन सा पॉइंट? फ्लेक्स वाली देखें मैंने फ्लेक्स प्रिंट करवाया जो बैनर होते हैं दीवारों पर लगाने के लिए खंबे पे लगाने के लिए मुझे पांच हजार के पड़े अब मुझे फ्लेक्स प्रिंट होके मिल गए मैंने इसको अपनी मार्केटिंग के लिए लगाना है क्या ये फ्लेक्स का जो पिलर है एक्सपेंस है यस एक्सपेंस है एक्सपेंस की नेचर डेबिट है यस yes, डेबिट है ये मेरा एक्सपेंस बढ़ा अगर मैंने इसको एक्सपेंस किया है पिलर प्रिंट करवाया तो ये मेरा पांच हजार का एक्सपेंस खर्चा बढ़ गया अब दूसरा पहलू कैश मैंने पांच हजार कैश दिया कैश का पिलर एसेट है अब ये मेरे पास से पांच हजार कम हो गया तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा क्रेडिट एक्सपेंस पांच हजार से डेबिट और कैश पांच हजार से क्रेडिट जी बताएं क्या यह बात क्लियर है अली बात क्लियर है आपको अली बात सर लेबर हमारे लिए एसेट है देखिए मैंने मजदूरी करवाई एक्सपेंस है ना एसेट क्यों होगा मेरा एक्सपेंस है ना आसान ये आपने ऊपर ये देखे ना ये आप लोगों ने करवाया था ना नहीं उधर लेबर नहीं था हमने मजदूरी करवाई हमने ये काम करवाया हमने एक मजदूर को पकड़ा यार ये फ्लैक्स लगा दो हजार रुपया खर्चा हो गया ना ये पहले ले लेबर एक्सपेंस जीरो था अब मेरा हजार हो गया इसका मतलब इसका पिलर हो गया एक्सपेंस एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट ये बढ़ा है इसका मतलब लेबर एक्सपेंस क्या हो जाएगा डेबिट अब मैंने हजार रुपया दिया है ये मेरा कैश है इसका जो पिलर है वो एसेट है इसकी नेचर डेबिट अब ये कम हुआ है तो उसका मतलब डेबिट को मैं क्या कर दूंगा इस चीज को मैं क्रेडिट कर दूंगा तो लेबर एक्सपेंस डेबिट हजार से और कैश क्रेडिट हजार से जी क्या ये क्लियर है इसका मतलब ये है कि हमें एसेट और एक्सपेंस अगर हमारा कैश जाता है अगर हमारा कैश जाता है उससे या तो हम कोई चीज बना रहे होते हैं यह हमारा खर्चा हो रहा होता है हम पहले उस पहलू को देखते हैं कि वो किस पिलर में फॉल करता है क्या वो एसेट में फॉल करता है क्या वो एक्सपेंस में फॉल करता है फिर हम उसकी नेचर के हिसाब से देखते हैं अगर तो ये बढ़ा है तो उसकी नेचर इट आ जाएगी अगर ये कम हुआ है तो रिवर्स हो जाएगा इसका मतलब हमने एसेट और एक्सपेंस को देख लिया अब हम जाते हैं इनकम वाली चीज पे ये हमारे पास है इनकम वाली चीज ये हमारे पास इनकम मैंने सेल्स की बीस हजार की आज मैंने क्या किया जी बीस हजार की सेल्स की किस पिलर में फॉल करेगी जी सेल्स मेरी किस पिलर में फॉल करेगी सेल्स किस पिलर में फॉल करेगी जी सेल्स इनकम ओके क्या जो मैंने आज बीस हजार की सेल्स की है क्या ये आज वाली सेल्स पहले मेरे पास थी नहीं इसका पिलर है इनकम और ये बढ़ी है इसका मतलब इसकी जो नेचर थी वो थी क्रेडिट सेल्स होगी क्रेडिट अगर उसकी जो बाय डिफॉल्ट नेचर है और ये बढ़ रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर पे आ जाएगा सेल्स क्रेडिट से. अच्छा अब अगर ये मेरे पास सेल्स हुई है तो मुझे मिला क्या है मेरे पास क्या है दूसरा पहलू क्या है इसका बढ़ क्रेडिट हो कैश 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 है है का का पिलर कौन सा है? कैश का पिलर है जी एसेट कैश का पिलर है एसेट और ये बढ़ा है और इसकी नेचर है डेबिट इसका मतलब ये हो जाएगा डेबिट कैश डेबिट ये मेरी एंट्री होगी सेल्स की चलें इस एंट्री में ट्विस्ट लाते हैं इस एंट्री में ट्विस्ट लेकर आते हैं कैसे भला कैश का पिलर है एसेट और इसकी नेचर डेबिट और इसकी नेचर अगर डेबिट है तो आमना ये बढ़ा है तो मैं डेबिट करूंगा ना इसको चले जी इसी एंट्री में एक्टिविस्ट लाते हैं मैंने आज बीस हजार की सेल्स की मैंने बीस हजार की सेल्स की इसमें से मैंने एक हजार का डिस्काउंट दे दिया जी बताएं कौन सी चीज किस किस पिलर में फॉल करेगी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा सेल्स बताएं सेल्स कितनी है किस पिलर में फॉल कर रही है sales कितनी है जी डिस्काउंट एक्सपैंड सेल्स इनकम नहीं सेल्स कितनी है अलग अलग पहले सेल्स का बताए इसका पिलर है इनकम इसकी नेचर है क्रेडिट आज सेल हुई इसका मतलब ये सेल मेरी बढ़ गई इसका मतलब ये सेल्स हो जाएगी क्रेडिट सेल्स बच्चे अगर बीस हजार की हुई है और एक हजार डिस्काउंट दिया तो ये मेरे पास नेट करके सेल्स कितनी है नहीं नहीं ठीक है ठीक है आ, हसान बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल ठीक है सॉरी सॉरी मैं मिक्स करके बीस हजार क्रेडिट अब आगे आ जाते हैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट का पिलर कौन बताएगा डिस्काउंट किस पिलर में फॉल करेगा नई चीज आ गई मजा आएगा डिस्काउंट किस पिलर में फॉल करेगा जी एक्सपेंस परफेक्ट यार छा गए आप अलीबाद आप भी छा गए हैदर भाई हैं एक्सपेंस हैदर भाई हैदर अली कैश में कैसे एक्सपेंस इसका पिलर है इसकी नेचर एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट ये पहले नहीं था इसका मतलब ये बढ़ा अच्छा ये जो मैं बढ़ने की बात करता हूँ इसका मतलब वो ये इनकर हुआ हाँ आमना आप भी छा गई <laughs> ये आ गया डेबिट एक हजार हां जी कोई और भी चीज इसमें इन्वॉल्व है डिस्काउंट डेबिट एक हजार बिल्कुल ये जी मैंने डेबिट लिख दिया कोई और चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है कैश कैश मुझे कितना मिला इसका पिलर बताएं पिलर है इसका एसेट इसकी नेचर है डेबिट कैश बढ़ा कैश एसेट है इसकी नेचर है डेबिट ये बढ़ा कितना बढ़ा? उन्नीस हजार परफेक्ट बीस हजार की सेल में हजार तो मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मुझे कैश नेट करके उन्नीस हजार मिला तो ये हो गया डेबिट अगर आप देखो तो ये एंट्री बैलेंस हो गई सॉरी कैश उन्नीस हजार से डेबिट डिस्काउंट एक हजार से डेबिट सेल्स बीस हजार से क्रेडिट हमेशा सीक्वेंस में पहले डेबिट लिखना है बाद में क्रेडिट लिखना है अगर जितनी चीजें डेबिट की है वो सारी पहले लिख लेनी है फिर क्रेडिट शुरू करना है और क्रेडिट की सारी लिख लेनी है इसका मतलब एंट्री में डेबिट के मल्टीपल आइटम हो सकते हैं जैसे ये भी आगे क्रेडिट के मल्टीपल आइटम हो सकते हैं जैसे ये आ गया तो बट इसका टोटल हर आइटम डेबिट में जितने आइटम उनका टोटल और क्रेडिट में जितने आइटम उनका टोटल इक्वल होना चाहिए क्या ये क्लियर है दोस्तों भाइयों बुजुर्गों बहनों बच्चों बच्चियों हसान भाई हैदर भाई कुछ बेस बन रही है कि मैं हमें बोली जा रहा हूं आमना से पूछूंगा आमना मुझे सही बताएगी आमना आमना कुछ बेस बन रही है कि मैं हमें बोली जा रहा हूं थैंक यू अलीबाद यस सर सर बहुत अच्छी समझ आ रही है अलीबाग बहुत शुक्रिया यार अहमद मिनार सर पानी की तरह ओहो माशा चले जी, अच्छा क्लियर बिल्कुल सर गुड हो गया अच्छा जी अब हमने एसट देखा इनकम देखा एक्सपेंस यहाँ पे एक और चीज करते हैं इसी एंट्री में एक और ट्विस्ट लाते हैं ये जो हमने ये जो हमने किया अब मैंने सेल्स की दस हजार की सेल्स की समझें कि मैं एंट्री कर ली मैंने इसमें से दो हजार की चीजें मुझे वापस आ जाती हैं दो हजार की चीजें मुझे वापस आ जाती हैं जब मैंने सेल्स की होगी एंट्री की होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट यही एंट्री की होगी जब सेल्स की होगी जैसे बीस हजार की सेल्स की एंट्री की अब आ जाते हैं मुझे चीजें वापस हो गई इसको कहते हैं सेल्स सेल्स के अगेंस्ट रिटर्न डायरेक्ट एंट्री नहीं बतानी ना एंट्रीज देखें नैला मुझे आती हैं हमने हमने लॉजिक सेल्स रिटर्न पिलर इनकम नेचर क्रेडिट क्या ये इनकम को इसने आके बढ़ाया है कि कम किया है कम किया है डेबिट करना पड़ेगा हाँ जी यस yes, यस yes, आमना परफेक्ट आमना तो हमारी गुरु हो गई सेल्स रिटर्न हमारी हो गई डेबिट सेल्स रिटर्न दो हजार से हमारी हो गई डेबिट अच्छा अब 2000 का दूसरा पहलू क्या है अजी नैला बताएगी नैला फातमा जी हैदर भाई बताए दूसरा पहलू क्या है जब सेल्स उसने चीजें आके वापस की उसने कहा जी मैं दस हजार की चीजें लेकर गया था ये दो हजार के वापस कैश हमारे पास कैश है कैश का पिलर है एसेट क्या ये इसकी नेचर है डेबिट क्या ये बड़ा है नहीं मुझे पैसे देने पड़े कम हुआ है क्रेडिट डिक्रीज कैश एसेट है और वो डिक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया इसकी नेचर डेबिट थी तो हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे क्या इस एंट्री की समझ आ गई चलें अगली अगली गेम शुरू करते हैं मैंने ये जो दाल चाल ये स्टॉक लिया है मैं दस लाख का एंट्री एंट्री बताएं एंट्री 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 बताएं जी दस लाख का स्टॉक लिया है एसेट स्टॉक का किस पिलर में फॉल करेगा दैट इज एसेट इसकी नेचर है यार अब मैं डेबिट को ना डीआर लिखा करूंगा और ये बढ़ रहा है पहले ये स्टॉक नहीं था इसका मतलब मेरे पास स्टॉक हो जाएगा 10 लाख से डेबिट दूसरा इसका पहलू क्या है कैश यार आप तो मुझसे भी तेज हो गए हैं इसका ये देखें दोनों चीजें एक ही पिलर में फॉल कर रही हैं इसकी नेचर है डेबिट अब ये कम हो रहा है इसका मतलब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा कैश दस लाख से क्रेडिट स्टॉक एसेट और ये इंक्रीज हो रहा है स्टॉक एसेट और ये इंक्रीज हो रहा है डेबिट है कैश एसेट है कम हो रहा है तो क्रेडिट है बिल्कुल आमना आप तो उस्ताद बन गए हमारी अच्छा इधर ही अगर मैंने पचास हजार की चीजें वापस भेज दी इधर ही मैंने पचास हजार की चीजें वापस कर दी हाँ जी इसको मैं कहूंगा परचेज रिटर्न पिलर पिलर बताएं पिलर मैं तो पूरे पैटर्न से चलूंगा एसेट ओके एसेट की नेचर डेबिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है एसेट कम हो रहा है क्रेडिट स्टॉक रिटर्न पचास हजार से क्रेडिट दूसरा पहलू कैश दूसरा पहलू कैश पिलर एसेट नेचर डेबिट बढ़ रहा है डेबिट मुझे कैश मिल गया आसान भाई आप तो मास्टर हो गए अच्छा जी चले आप ट्विस्ट और लाते हैं सेल्स मैंने जो की है दस हजार की ये उधार पे की है सेल्स का बताएं पहले सेल्स मैंने किए उधार पे सेल्स का पिलर इनकम नेचर क्रेडिट बढ़ गई सेल्स बढ़ गई इसका मतलब सेल्स हो गई क्रेडिट दस हजार से जी दूसरा दूसरा पहलू क्या आएगा अब मैंने उधार पे दिया है उधार पे दिया मैंने कैश नहीं लिया दूसरा पहलू क्या आएगा रिसीवेबल है रिसीव करने है ना हाँ जी रिसीवेबल है नेचर पिलर एसेट नेचर डेबिट बढ़ा पहले ये नहीं था रिसीवेबल डेबिट क्रेडिटर अब्दुल रहमान क्रेडिटर डेबिट क्यों भाई मैंने लेने हैं पैसे चले यहीं पे मैं कर देता हूं जब मैंने परचेज की बीस हजार की ये उधार पे की अब स्टॉक मेरा किस पिलर में फॉल करता है एसेट में इसकी नेचर होती है डेबिट ये बढ़ा तो ये हो गया डेबिट स्टॉक डेबिट बीस हजार से दूसरी मैंने पैसे नहीं दिए मैंने पैसे देने हैं पेबल जिसको आप क्रेडिटर कह रहे हैं ना ये एक ही बात है जब पे करने होंगे ये किस पिलर में फॉल करेगा लाइबिलिटी में लाइबिलिटी की नेचर क्या है क्रेडिट बढ़ रही है सेम नेचर बढ़ रही है लाइबिलिटी क्रेडिट यानी के हाँ जी अब ठीक है हसान क्लियर है अच्छा चले जी इसका मतलब हमने लाइबिलिटी को देखा हमने एसेट्स को देखा हमने इनकम को देखा हमने एक्सपेंस को देखा आगे चलते हैं ये जो मेरे पास सरमाया था सरमाया एक करोड़ का इसका पिलर बताएं जी एक करोड़ का जो सरमाया था किस पिलर में फॉल करता है कैपिटल कैपिटल की नेचर क्रेडिट क्या ये बढ़ा है इंक्रीज हुआ है क्रेडिट इसका मतलब कैपिटल इज क्रेडिट एक करोड़ से दूसरे इसके पहलू बताएं, दूसरे पहलू बताएं। ओहो पचास लाख था कैश नेचर पिलर एसेट नेचर डेबिट क्या ये बढ़ा है यस डेबिट कैश पचास लाख फिर जो पचास लाख था ये मैंने लोन लिया बैंक से कैटेगरी बताएं लाइबिलिटी नेचर क्रेडिट बढ़ा हाँ जी नेचर क्रेडिट इसका मतलब यहां पे आ गई लाइबिलिटी कितनी पचास लाख से ये हमने इकट्ठे कर दी अलग अलग करते हैं इसको जब मैंने पचास लाख सॉरी अभी आप अलग अलग करें कैश पचास लाख कैपिटल पचास लाख कैश पचास लाख लाइबिलिटी पचास लाख अलग अलग करें एक करोड़ में दो चीजें थी ये वाली इनकी मैंने अलग अलग एंट्री कर दी जी पचास लाख लाइबिलिटी पचास लाख कैपिटल अच्छा मजे की बात बताऊ ये कैपिटल क्या होता है ये भी लाइबिलिटी होती है कैसे ये मालिक के पैसे होते हैं जो इसको बिजनेस ने कारोबार ने वापस करने होते हैं तो ये सिर्फ इसका नाम है अलग से कि जो जिस बंदे का कारोबार है उसने कितने पैसे दिए हैं बिजनेस को चलाने के लिए अब मेरे पास एक करोड़ कैसे आया था एक करोड़ में से पचास लाख मेरा अपना था और पचास लाख मैंने लोन लिया है जी क्या ख्याल है क्या कोई ऐसा पिलर अगर कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए क्वेश्चन नंबर वन क्या पिलर आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्या पिलर आइडेंटिफाई कर लेंगे ओके क्वेश्चन नंबर टू पिलर की नेचर याद रहेगी ओके okay. अगर ये जो नेचर है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इसकी बेस पे डेबिट क्रेडिट बना लेंगे और मैंने कहा जो उसकी नेचर होगी इंक्रीज होने से नेचर सेम रहेगी जैसे एसेट की नेचर डेबिट है इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा और कम होने पे उसकी नेचर रिवर्स हो जाएगी ब्दुलरहमान भाई अगर आप लाइबिलिटी पचास लाख से क्रेडिट करेंगे और कैपिटल भी पचास एक करोड़ से क्रेडिट करेंगे तो ये हो जाएगा डेढ़ करोड़ और कैश आपके पास कितना है होगा एक करोड़ तो इसीलिए सारी एडवांस की चीजें आएंगी अभी जो मैंने करवाया ना अब्दुल रहमान भाई वो जी इंक्रीज से नेचर रहेगी सेम अगर ये हो जाती है डिफॉल्ट डिक्रीज तो ये हो जाएगी रिवर्स लेट से किसी की नेचर थी डेबिट तो वो हो जाएगी क्रेडिट किसी की नेचर थी क्रेडिट और वो डिक्रीज हुई तो वो हो जाएगी डेबिट डबल एंट्री बना लेंगे कल फिर एग्जांपल शुरू करें किरियाना स्टोर से आगे बुक्स की एग्जांपल जी अब्दुल रहमान भाई हो जाएगा सब हो जाएगा अब्दुल रहमान आपको क्लियर है जी कैसा रहा फिर आपका सेशन डबल एंट्री की कोई बेस बनी हसान अलीबाद सर हमें कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें जी मैं भी आ, जाके उसमें से शेयर कर दूंगा डोंट वरी आमना क्लियर डिस्काउंट को रिपीट कर दें जी मैं कर देता हूँ अब्दुलरहमान क्लियर तो ठीक है हैदर अब्दुल रहमान अभी जो मैं भी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वेट करें सब हो जाएगा आप अगर एक करोड़ से कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी है? जो मैंने लोन लिया है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर दी ये देखो ना एक करोड़ से ये जरा दोबारा सुन लें जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये मैं कैपिटल इधर से उड़ा देता हूँ ये कंफ्यूज कर आपको मेरे पास एक करोड़ इकट्ठा हुआ कारोबार चलाने के लिए मेरे पास पचास लाख है पचास लाख मैंने लोन लिया है तो ये मेरा कैपिटल है ये मेरी लाइबिलिटी है ठीक है यहाँ पे ये मैंने हटा दिया ये लेंच ठीक थी, है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया था पचास लाख मेरे पास है दैट इज कैपिटल फिर मैंने पचास लाख लोन लिया बैंक से तो ये दो अलग अलग एंट्रीज होगी भाई अब मेरे पास कैश एक करोड़ आ गया उसको मैं जहां मर्जी यूज करूँ हैदर भाई और अब्दुलरहमान क्लियर है ठीक है मैंने ये एक करोड़ का कैपिटल ये हटा दिया ये लो ये ये यहाँ से ये एक करोड़ टोटल है अब ठीक है अब्दुलरहमान हैदर आमना को क्लियर हो गया हसान को क्लियर हो गया इबाद को क्लियर नेहला अब्दुलरहमान हसान अलीबाद उसामा आफ्ताब जी बता दें ये लोग एक्टिव में बहुत सारे ये मैसेज हुई, हुई। बुशरा जो जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं बताएं जी क्लियर है क्या हेड को आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या हेड की नेचर याद रहेगी हेड से मुराद पिलर क्या उसकी बाय डिफॉल्ट नेचर अगर वो चीज़ इंक्रीज हो रही है वो डेबिट कैसे होगी क्रेडिट कैसे होगी अगर उसकी बाय डिफॉल्ट नेचर डेबिट थी और वो डिक्रीज हो रही है तो हम क्या देंगे? Credit कर देंगे उसे क्रेडिट कर देंगे क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट नेचर है बाय डिफॉल्ट उसका साइन है वो इंक्रीज होने के लिए अगर मैं एसेट को डेबिट कहता हूँ वो इंक्रीज होने के लिए डेबिट है अगर वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा तो हमारे पास एट द एंड कितने साइन आ गए दो डेबिट क्रेडिट अगर आप नट शल में लाइन लिखते हैं फॉर इंक्रीज टू डिफॉल्ट नेचर अब ये सारी डिस्कशन का करक्स है फॉर डिक्रीज टू डिफॉल्ट नेचर अगर आपको ये दो लाइनें याद हैं नंबर वन नंबर टू कैपिटल इज क्रेडिट एसेट इज डेबिट एक्सपेंस इज एक काम करते हैं एसेट डेबिट एक्सपेंस डेबिट कैपिटल क्रेडिट इनकम क्रेडिट लाइबिलिटी क्रेडिट तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया ये इनकी नेचर है डिफॉल्ट नेचर के लिए अगर इंक्रीज होगा सेम नेचर रिवर्स टू सेम नेचर जैसे एसेट के लिए एसेट के लिए अगर मैं यहां पे करूं तो ये मेरा आ जाएगा डेबिट यहां पे आ जाएगा क्रेडिट एसेट के लिए यही हो जाएगा एक्सपेंस के लिए अब मैं आ जाता हूं कैपिटल इनकम लाइबिलिटी ये पहली लाइन आ जाएगी क्रेडिट फॉर डिफॉल्ट नेचर इंक्रीज और डेबिट फॉर डिक्रीज तो ये अब आपके सामने ये पूरा क्रक्स है अगर आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर आप ये दो लाइनें लिखें कि इंक्रीज के लिए डिफॉल्ट नेचर एसेट के लिए वो डेबिट इन तीन के लिए वो क्रेडिट और रिवर्स उसके वाइस वर्षा के लिए जी नैला मैं आता हूँ डिस्काउंट पे क्या ये क्लियर है क्या ये क्लियर है चले जी हसन भाई ने कहा जी यस सर ऑल क्लियर अलहमदुल्ला सब ने क्लियर बल्कि बता दिया है ओके okay. जी बुशरा को भी क्लियर नैला देखें डिस्काउंट सबसे पहले हम इसका पिलर देखते हैं वो है एक्सपेंस इसी पे अप्लाई करते हैं एक्सपेंस की बाय डिफॉल्ट नेचर है डेबिट ये इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस डेबिट डिक्रीज क्या हुआ है कैश कैश का पिलर है एसेट मुझे सेल पे 20000 मिलना चाहिए था अब 19000 मिल रहा है तो मेरा कैश 1000 कम हो गया उसकी नेचर है डेबिट अभी ये डिक्रीज हो गया तो कैश कैश क्रेडिट ठीक है, है नाला चले जी मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है कल हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बैठेंगे इस लेक्चर को आई सजेस्ट कि एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा फिर चीजें हो जाएगी फिंगर टिप्स पे इनशा फिर चीजें हो जाएंगी फिंगर टिप्स पे स्टेप नंबर वन पिलर्स में डालना हर एक्टिविटी हर ट्रांजेक्शन को स्टेप नंबर टू पिलर्स की ट्रांजेक्शन नेचर आपके माइंड में होनी चाहिए अगर कोई चीज इंक्रीज करते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसका साइन आ जाएगा जैसे एसेट के लिए डेबिट है साइन इंक्रीज कर रहा तो एसेट डेबिट और अगर डिक्रीज करते हैं एसेट के लिए तो उसकी रिवर्स साइन आ जाएगा ठीक है जी डेबिट क्रेडिट पिलर्स एसेट लायबिलिटी इनकम कैपिटल सब क्लियर है क्लोज करें फिर आज का सेशन क्लोज करें जी चलें जी इनशाला मुलाकात होती है कल अब आ जाए ग्रुप में आप लोगों के सवाल आपके जवाब आप देते हैं रिगार्डिंग न्यू पॉलिसी सल्लल्लाहु अलैहि महमद